जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के आंदोलन में पुलिस के हस्तक्षेप और बर्बरता के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने देशव्यापी काला दिवस के रूप में मनाया। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन व ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन छात्र संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिला दुर्ग के द्वारा जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के आंदोलन में पुलिस द्वारा किए गए हस्तक्षेप और बर्बरता के खिलाफ देशव्यापी काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग के हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बता दें, संगठन के नेताओं ने जंतर मंतर में चल रहे महिला पहलवानों के आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप की निंदा करते हुए कि 28 मई को दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने आंदोलन में शामिल महिला, छात्र, युवा, किसान आदि संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट आदि पहलवानों को भी गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन का अलोकतांत्रिक और दमनकारी रवैया ये दिखाता है कि सरकार आंदोलन से किस कदर डरी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले माह भर से चैंपियन पहलवानों द्वारा यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और पास्को एक्ट के तहत आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जहाँ एक और नई संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अनावरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया गया और केंद्र सरकार की शह पर दिल्ली पुलिस द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिसका इस संगठन ने पुरजोर विरोध किया है। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यौन शोषण के दोषी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को आप लोग गिरफ्तार करें। महिला परिवारों की मांग है, इसे आप लोग पूरा करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।